जन्नत को अगर कोई नाम देना हो तो कश्मीर से बेहतर शायद ही कोई और नाम हो सकता है। कश्मीर सिर्फ दिलकश झीलों, बर्फ से लदे पहाड़ों और हरे भरे मैदानों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पाए जाने वाले कई किस्मों के रंग बिरंगे, खुशबूदार और खूबसूरत फूलों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर में फूलों का कारोबार बहुत से लोगों के लिए रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। अब तो इस कारोबार में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। ऐसी ही एक महिला है शालीमार की रहने वाली साइका निसार। साइका निसार ने इस कारोबार को अपने लिए क्यों चुना और कैसे उसके लिए दिलचस्पी पैदा हुई, इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। हर किसी इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हमारे फैमिली में बहुत टाइम से लोग, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से चल रहे, तो इंटरेस्ट था इस चीज़ में और शायद एक्सपीरियंस भी था, तो इसलिए मुझे लगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसी काम में जाना चाहिए। 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। साइका निसार ने तो उम्र के उस हिस्से में इस कारोबार की शुरुआत की जब बहुत सी लड़कियां अपने भविष्य के बारे में कोई सोच ही नहीं रखती हैं। जब मैंने स्टार्ट किया पहले, तब तो स्कूल टाइम था मेरा, शायद 8 में थी तब। तब तो मैं अपने दादू के साथ करती थी। हाँ, पहले पहले ऐतराज़ करते थे कि पढ़ाई में खर्च हो रहा है, बट स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद जब मेरा 10+2 हो गया, उसके बाद मैंने अपना अलग से अलहदा अपना यूनिट स्टार्ट किया। तो मैंने बहुत छोटे से अमाउंट से शुरुआत की। तब तो सिर्फ मैंने जो है हमारे एग्जॉटिक सीड्स होते हैं उनको प्लांट किया, उनको फिर ग्रो किया, फिर उनको ही बेचा। देन आफ्टर वो बहुत चेंज आ गई उसमें। उसके बाद एग्जॉटिक प्लांट्स आ गए, पॉट्स आ गए, प्लास्टिक के, फाइबर के, हमारे पास सिरेमिक के आते हैं, जो भी हम लोग बाहर से जो सामान आता है, मेटल का जो भी सामान आता है, अब एक अलग लेवल में आ गया है। इसको एक मॉडर्न टच, एक वो जो हमारा टिपिकल नर्सरी का कंसेप्ट होता है उसको छोड़कर एक मॉडर्न, एक अच्छा शेप देने की कोशिश करी, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करी। और आजकल जो लोग देखते हैं उनको वो चाहिए होता है, वो फ्लावर्स का तो आजकल लोगों को ज़्यादा ही पैशन है, तो लोगों की डिमांड सुनकर वो सारा सामान लाकर अब एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हमारा काम। सो एक अच्छा मकाम पाया अभी तक। तो किसी ने रोका नहीं, सबों ने सपोर्ट किया हर एक एंगल से, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फैमिली का जो मॉरल सपोर्ट होता है वो। फूलों का कारोबार हर किसी को खूबसूरत दिखाई देता है, मगर इसके पीछे की मेहनत को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। फूलों की देखभाल बच्चों की तरह करनी पड़ती है। मौसम का सीधा असर फूलों के छोटे पौधों पर पड़ता है। ये बेचारे कोमल होते हैं, इसलिए ना ही ज्यादा गर्मी सहन कर पाते हैं और ना ही ज्यादा सर्दी। इसीलिए नर्सरी चलाने के लिए पॉली हाउस की जरूरत बढ़ ही जाती है। गवर्नमेंट पॉली हाउसेस को देता है, सब्सिडाइज करता है, शायद हाफ 50% करते हैं वो। लेकिन मैंने जब भी स्टार्ट किया तो मैं हमेशा अपने से स्टार्ट किया और शायद कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं और डेवलप कराना चाहूँगी शायद तब ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तक तो फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना भी मुझे फाइनेंस की ज़रूरत थी, थोड़ा तो अपनी सेविंग से किया था, और फिर जब धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद उसी को फिर से दोबारा लगाया, तो अभी तक फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मैं उन स्कीम्स को यूटिलाइज़ करूँगी। जब हम किसी बागीचे में दाखिल होते हैं
तो हर तरह के आकार और रंग बिरंगे फूलों और उनकी सुंदरता को देख मोहित हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ उन लोगों के साथ होता है जो फूलों के पौधे खरीदने के लिए नर्सरी में पहुंचते हैं। भांति भांति के फूल वहां उनका स्वागत करते हैं। उनमें से किसी एक को पसंद करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे फूल होते हैं जो लोग घरों में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पे इंडोर प्लांट्स लगते हैं और सैपलिंग्स जो बेड्स में फ्लावर्स लगते हैं गार्डन में, उन चीज़ों का ज़्यादा चलन है कश्मीर में। बाकी यहाँ पे कट फ्लावर्स का बहुत कम यूज़ होता है और जो टेबल टॉप्स वगैरह होता है उसका अभी कंसेप्ट थोड़ा नया नया है, कुछ ही लोग वो जो है लगाते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग यहाँ पे बेड्स में लगाते हैं सैपलिंग्स और इंडोर प्लांट्स लगाते हैं। बाकी जो भी हमारे कश्मीर के अपने प्लांट्स हैं वो लगाते हैं ज़्यादातर लोग। आज इतने किस्म के फूल हैं कि हर किसी के लिए हर तरह के फूल अपनी नर्सरी में रख पाना आसान नहीं। सायका निसार बताती हैं कि उनका फूलों और नर्सरी का कारोबार देश विदेश तक फैला हुआ है। हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो हमारी यहाँ पे सिर्फ कश्मीर में उगती है, मैं आपको बताऊंगी। रिसेंटली मैंने यहाँ से लैवेंडर भेजा तमिलनाडु, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है, कश्मीर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, वहाँ पे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कराती हूँ मैं। हमारी यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं, डेफोडिल्स, आयरिस वगैरह, जो कश्मीर की कॉमन चीज़ें हैं, बाहर उनकी बहुत वैल्यू है, डिमांड है, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक एक्सपोर्ट हो जाती है। सर्दियों के मौसम में फूलों की बिक्री और नर्सरी का काम भी मौसम की तरह ठंडा पड़ जाता है। सायका बताती है कि ऐसे मौसम में बाहर का काम तो बंद हो ही जाता है, मगर फूलों के बीज तैयार करने, ग्राफ्टिंग और पनीरी लगाने का काम जारी रहता है। हमारा यहाँ पे सीजन ऑफ हो जाता है नवंबर से, ऑफ मतलब सेल का ऑफ हो जाता है। बाकी जो चार महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ऑलमोस्ट हाफ फेब, 15 फेब तक हमारा जो है काम रहता है प्रोडक्शन का। तब हम सीड्स लगवाते हैं, उनको ट्रांसप्लांट कराते हैं, कटिंग्स लगवाते हैं, जो फिर हमें पूरे साल बेचना होता है वो प्रिपेयर कराते हैं। लाइक बैठे हुए टाइम फ्री हमें कभी नहीं मिलता है। आज के दौर में लोग नई से नई चीज की मांग करते हैं। फूलों में भी लोग उन्हें रखने वाले गमलों के नए डिजाइन और तरह तरह के रंग पसंद करते हैं। गमले भी कई तरह के होते हैं, कुछ बरामदे में या आंगन में रखे जाते हैं तो कुछ को दीवारों के साथ लटकाया जाता है। आजकल तो कई गमले विदेशों से मंगाए जा रहे हैं और ग्राहक भी उनमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। बाहर से हम सामान मंगवाते हैं, लाइक दिल्ली से कोई सामान मंगाते हैं, खुर्जा से कोई सामान मंगाते हैं, मुरादाबाद से, सहारनपुर से, बाहर हिंदुस्तान की हर एक जगह से कोई ना कोई सामान आ जाता है। और जो हमारे सीड्स आते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, कुछ जापान से आते हैं, कुछ जर्मनी से आते हैं, कुछ अमेरिका से आते हैं, तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। इस बात को कई लोग शायद ना जानते हों कि इंसान की तरह फूलों और फूलों के पौधों को भी बीमारी लग जाती है। कई बार नुकसान देने वाले कीड़े भी इन पौधों और फूलों को अपना शिकार बना लेते हैं। सायका बताती है कि ऐसे में तजर्बा बड़ा काम आता है। जरूरत पड़ने पर दवाइयां भी इस्तेमाल की जाती हैं। जो एग्जॉटिक चीजें हैं उनमें कभी कभार डिजीज लग जाती है, तो हम वो उनके सेलर से पता करके फिर उसको क्या चीज से ठीक हो सकता है, या आजकल इंटरनेट पे भी बड़ा ये है, तो उससे पढ़कर फिर पता करते हैं कि क्या मसला है, उससे फिर हम इसको, चाहे फंगस की बीमारी हो या कोई और बीमारी हो, फिर उसकी वजह से फिर ठीक करा देते हैं। कोई भी कारोबार रोजी रोटी के मकसद से ही शुरू किया जाता है। हाँ, अगर कारोबार और भी दूसरे लोगों को रोजी रोटी दे सके तो समझो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सायका जी का नर्सरी का ये कारोबार भी कामयाबी की इस मंजिल को हासिल कर चुका है। डेली बेसिस पे तो लगभग 10 लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ पे डेली बेसिस पे काम करते हैं। उसके अलावा से किसी ने यहाँ से परचेज कर लिया सामान, उसको घर तक ले जाना है, वो तो उसमें ऑटो वाला हो जाता है,
तो लिफ्टिंग चार्जेस वाला हो जाता है। कम से कम 20 लोगों को यहाँ पे हमने रखा हुआ है, 20 लोग मेरे साथ काम करते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मेरे अंडर काम करते हैं, हाँ हम लोग 20 लोग यहाँ पे साथ मिलकर काम करते हैं अलग अलग फैमिलीज से। और उसके अलावा ये हमारी एक फैमिली नर्सरी है, तो हमारी फैमिली भी रन करती है इसको। बींग ए वमन मैं प्रेफर करती हूँ, मैंने ज़्यादातर स्टाफ हमारा जो है फीमेल्स ही है। जब कोई इंसान अपने मकसद में कामयाबी हासिल करता है तो वो वहीं नहीं रुक जाना चाहता। कहते भी है ना कि सितारों के आगे जहां और भी है। साइका जी भी नर्सरी के अपने इस कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, मगर कहती हैं कि ये काम सही वक्त पर ही शुरू किया जाएगा और इसमें वो शायद सरकारी स्कीमों का भी फायदा उठाए। हमेशा इंसान तरक्की करने की सोचता है और मैंने भी सोचा है, मैं और डेवलप कराने की कोशिश करूंगी। अगर आज मैं 5 कनाल ज़मीन इस्तेमाल कर रही हूँ, शायद इन फ्यूचर 10 कनाल कर लूँ, और उसके अलावा और फ्लोरिश करना चाहूँगी मैं, और डेवलप करना चाहूँगी अपने काम को और नए कंसेप्ट्स के साथ और नए प्रोडक्ट्स के साथ, और सारे लोगों को रोज़गार देना चाहूँगी मैं। साइका जी ने फूलों के कारोबार से न सिर्फ अपना रिश्ता जोड़ा है बल्कि नाम भी कमाया है। सच पूछे तो वो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। मैं तो सबों को बताऊंगी कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जिसको शौक है करने का ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी कम है और आप एट ईज कर सकते हो स्टार्ट। थोड़ी सी ज़मीन से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने मेरी थोड़ी सी अपनी ज़मीन से स्टार्ट किया, उसके बाद और अपना ज़मीन ले लिया, अभी मैंने थोड़ा सा लीज्ड लैंड भी है मेरा। तो ऐसे ऐसे फिर डेवलपमेंट होती रहती है, मेहनत करनी है और सबसे ज़्यादा अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि प्लांट्स के मटेरियल में भी ऑनेस्टी चाहिए होती है। अगर ये चीज़ एक्जॉटिक है तो वाकई में बताना, हाँ जी एक्जॉटिक है। अगर यहाँ का है वो भी बताना जी यहीं का है, तो किसी को चीट नहीं करना। इससे एक अच्छा ब्रॉड बेस बनता है बिज़नेस का और मार्जिन भी रखना होता है। मतलब मैं बताऊँगी कि लिमिटेड मार्जिन रखना होता, उतना भी नहीं कि इंसान बोलेगा एक साथ। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, इंसान को अगर बिजनेस का बेस ब्रॉड बनाना है तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि लूटना नहीं है कस्टमर को, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एडवाइस है। साइका जी चाहती है कि महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए।